फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपके क्वेश्चंस आ रहे थे बीए बीएड बैचलर्स ऑफ आर्ट्स और बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, जो एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, 4 ईयर कोर्स है, तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के आ रहे थे कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, एंट्रेंस है, मेरिट बेस्ड है, कितनी फीस है इसकी, कितनी सीट्स है, तो हर एक चीज़ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा कि सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एडमिशन रिलेटेड अपडेट्स इसी चैनल के थ्रू आपको मिलेंगे। और हाँ, हमारी हेल्प हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी पहुँचा देंगे, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो ये तीनों काम कर लिए हैं अगर आपने, तो आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जो कि बैचलर्स ऑफ आर्ट्स और बिजनेस बैचलर्स ऑफ एजुकेशन दोनों की आप लोगों को डिग्री मिल जाती है। इसमें आप लोगों का 1 साल सेव हो जाता है। अगर आप दोनों डिग्री अलग अलग करते हो तो आपको 5 ईयर्स लगेंगे, अगर इंटीग्रेटेड करते हो तो आपको 4 ईयर में ये डिग्री कोर्स हो जाएगा। अब बात करते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी या इससे एफिलिएटेड कॉलेजेस कौन कौन से हैं जो ये प्रोवाइड करवाते हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के मेन कैंपस में IETVE और एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इसे कह देते हैं, वरना IETVE इसका फुल फॉर्म है। तो IETVE डिपार्टमेंट ये कोर्स प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा DAV सेक्टर 10 में ये कोर्स है, जो कि इस कोर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। ये दोनों इंस्टीट्यूट हैं चंडीगढ़ में जो ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो ड्यूरेशन इसकी 4 ईयर है। डीएवी में एडमिशन होता है मेरिट बेस पर, तो उसके लिए आपको DHE चंडीगढ़ पर जाकर के एडमिशन का फॉर्म भरना होता है। वो DHE चंडीगढ़ की एडमिशन वीडियोस आप देख लीजिएगा, वहां से आप लोगों को पता चल जाएगा। बट PU मेन कैंपस में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और उसके एडमिशन थोड़ा अलग तरीके से होते हैं। तो आज हमारा फोकस रहेगा PU मेन कैंपस पर। तो सबसे पहले तो 4 ईयर प्रोग्राम है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। टोटल सीट्स के बारे में बता देता हूँ, तो टोटल सीट्स यहाँ पर 50 सीट्स अवेलेबल हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के IETVE यानी कि बीए बीएड डिपार्टमेंट में। तो इसके बाद 50 सीट्स है और फीस स्ट्रक्चर इसका बताऊँ तो 34,915 रुपीज़ इसकी फीस है पर एनम। ये फीस पर एनम है। इसके अलावा आपको 2,500 के आसपास जो है वो आप लोगों को एग्जामिनेशन फीस भी पे करनी होती है 2 टाइम्स इन अ ईयर। तो दोनों सेमेस्टर के लिए अलग अलग आपको एग्जामिनेशन फीस पे करनी होती है, और हर साल ये आप लोगों की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में फीस थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। तो ये फीस मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर की बता दी है। सेकंड ईयर की आपको 35, 36, 37 के अराउंड आप लोगों को पड़ जाएगी। तो इसी ब्रैकेट में ये आप लोगों की फीस रहने वाली है, जो कि अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन किया हुआ है। तो ये ट्यूशन फीस है आप लोगों की। और एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो 10+2 पास होना चाहिए विद 50% मार्क्स। 45% जो है वो SC ST जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए है। तो जो ट्यूशन फीस है वो 5,000 एवरी ईयर जो है वो इंक्रीज होगी लेटर फॉर फर्स्ट थ्री ईयर्स के लिए। कोर्स जो है वो 4 साल का होगा। फाउंडेशन कोर्स इन एजुकेशन सब्जेक्ट विच इंक्लूड इंग्लिश कंपलसरी, पंजाबी कंपलसरी, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब ऑप्शनल सब्जेक्ट। द स्टूडेंट्स इज रिक्वायर्ड टू टेक अप टू इलेक्टिव ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो 2 इलेक्टिव ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे और 9 ऑप्शनल लिस्ट्स आर। तो 9 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से आप लोगों को जो है वो सिलेक्ट करने हैं। इसमें ऑप्शनल में है आप लोगों के पास जो सब्जेक्ट है, मैं यहाँ पर आपको देख के बता देता हूँ। इंग्लिश है एक तो आप लोगों के पास ऑप्शनल में, हिंदी, पंजाबी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड मैथमेटिक्स जर्नल। तो ये जो है वो आप लोगों के पास जो है वो अप्लीकेबल है। 9 सब्जेक्ट जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में आप ले सकते हैं, इनमें से 2 सब्जेक्ट आप लोगों को चूज करने हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप लोग फोर्थ ईयर में आप लोगों को जो है टीचिंग के लिए जाना होगा। तो ये सारी डिटेल्स इन लोगों ने दी हुई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि इसमें आप लोगों के कोर्स के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 2000 स्टार्ट में ये कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ स्टार्ट हुआ था। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी स्टडीज, तो इन सभी डिपार्टमेंट्स ने मिलकर इसे स्टार्ट किया था। और इसमें सेकेंडरी स्कूल टीचर्स को जो है वो बनाने के लिए ये डिपार्टमेंट स्टार्ट किया गया था। अब इसके रूल रेगुलेशन की बात कर लें तो इसमें आप लोगों के हर साल 2 सेमेस्टर होंगे। पहला सेमेस्टर जुलाई टू दिसंबर, यानी कि जुलाई से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होंगी, दिसंबर में जाकर के आपके एग्जाम होंगे।
उसके बाद जनवरी से मई, तो ये इन लोगों का जो है वो आपका हर साल का ये शेड्यूल रहता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 होनी चाहिए, 50 है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। और जो कोर्स है कैंडिडेट कोर्स, उसे जो है फीस पे करनी होगी, और जो भी चार्जेस है वो सेनेट के द्वारा अप्रूव होंगे, यूनिवर्सिटी की सेनेट के द्वारा। और यहाँ पर दिया हुआ है कि 80% लेक्चर्स रिक्वायर्ड है, 90% फॉर स्कूल जो इंटर्नशिप है वो आप लोगों को, 10% लेक्चर्स ऑफ वेरियस स्पेशल लेक्चर्स विजिट्स टू स्कूल, तो ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं। इस साइड में मैं आप लोगों को PDF शो कर दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर डिटेल्स दी हुई हैं, जो आप लोगों को सब्जेक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, कोर्स कौन कौन से, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन कौन से आप लोगों के पास हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। 9 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे आपके पास। उससे पहले आपका कोर सब्जेक्ट में होगा पेपर 1 एजुकेशन का, पेपर 2 एजुकेशन, तो 2 कोर सब्जेक्ट होंगे, पेपर 3 इंग्लिश और पंजाबी जो कंपलसरी है, और पंजाबी की जगह अगर आपको पंजाबी नहीं आती, आप आउट ऑफ पंजाब हैं, तो हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब आपके पास पंजाबी में ऑप्शन में होता है। अगर आपको पंजाबी नहीं आती तो हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब आप ऑप्ट कर सकते हो। और पेपर 5 एंड 6 7 8 तो ये दिया हुआ है 100 मार्क्स का होंगे, 15 क्रेडिट होंगे इसमें। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लोगों को 9 मैंने बता दिए हैं, यहाँ पर आप साइड में चेक कर सकते हो। प्रैक्टिकल कोर्सेज कंपलसरी होंगे, स्कूल रिलेटेड प्रैक्टिकम, तो और इसके अलावा लाइफ स्किल ट्रेनिंग, तो ये सारा ट्यूटोरियल्स हर एक चीज़ इन्होंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की, जो मैंने इससे पहले आप लोगों के साथ बात करी थी। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में आप लोगों के पास क्या रहने वाला है, वो चीज़ें हम इस वीडियो में आप डिस्कस कर लेते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट आप लोगों का क्लास 12th के बाद जब आपका रिजल्ट आता है, उसके बाद आप जो है वो अपना फॉर्म जो भरते हैं, और फॉर्म भरने के बाद आप लोगों को जाना होता है, सो आप लोगों की जैसे ही क्लास 12th का रिजल्ट आता है उसके आसपास ही एडमिशन ओपन हो जाएगी, वो मैं बता दूंगा एग्जैक्ट डेट्स जैसे ही डेट्स आती हैं। और उसके बाद आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना होता है, एडमिशन फॉर्म फिल करते हो और फिर आपको मिलती है एप्टीट्यूड टेस्ट की डेट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट में होता क्या है, कोर्स की पूरी डिटेल्स मैंने आप लोगों को दे दी है। अब बात कर लेते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट की। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसमें जो है वो 4 पोर्शंस मेनली होते हैं। जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश ग्रामर आइडम्स, वोकैबुलरी, करेक्शन एंड पंचुएशन, रिटन कॉम्प्रिहेंशन, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, काफ़ी बड़ा पोर्शन भी है, काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। और इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड आप लोगों का चेक करते हैं ये लोग। तो इसके लिए सोर्सेज, अब आप लोग पूछोगे कि भैया सोर्सेज क्या है, एज सच यूनिवर्सिटी ने कोई सिलेबस स्पेसिफाई नहीं किया है, बट ये मेनली हमने डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में से। जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस के लिए आप थ्रू यूट्यूब जनरल मेंटल एबिलिटी के टेस्ट आप लोग, मॉक टेस्ट वगैरह आप लोगों को ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। इंग्लिश ग्रामर, तो इंग्लिश ग्रामर जो आपकी क्लास 11 12th की है वो ग्रामर आप लोगों को करनी है, बेसिक ग्रामर रूल्स आप लोगों को पता होने चाहिए। वोकैबुलरी थोड़ी बहुत तो जो हम क्लास 11 12th में पढ़ते हैं वो हमारी स्ट्रॉन्ग होती ही है। करेक्शन एंड पंचुएशन, रिटन कॉम्प्रिहेंशन, तो रिटन कॉम्प्रिहेंशन की आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लेनी है, अलग अलग वीडियोज होती हैं, अलग अलग मटीरियल ऑनलाइन वेबसाइट्स पर पढ़ा होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप कुछ वीडियोज और कुछ ब्लॉग्स वगैरह, ब्लॉग पोस्ट वगैरह पढ़ सकते हैं, उनको पढ़ करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रही सारी डिटेल्स बीए बीएड इंटीग्रेटेड के बारे में। जैसे ही एडमिशन ओपन होती है मैं वीडियो बना दूंगा, तो आई होपफुली कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वन मोर रिक्वेस्ट कि आप लोगों को करना ये है कि नीचे शेयर बटन पर जाना है और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। अगर आपको किसी और कोर्स के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम उसकी वीडियो भी अपलोड करेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।